सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, बायोस्टेटिक्स का अपना टॉपिक है। इस तरह के कुछ बायोस्टेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एंड उसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिडन है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये मिडन अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया आएगा, उसके अंदर आपको मिडन आपको क्या करना है, कैलकुलेट। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को भी क्या बनानी पड़ेगी, एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी, सारणी। इसके अंदर अपन क्या कर लेंगे, पहला बात जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ऊपर वाला जो कॉलम रहेगा उस कॉलम के अंदर ये तो क्या है, आपके स्टूडेंट्स की जो हाइट है इंच के अंदर वो है, तो अपन एक तरह से इसको अपन एक बार एक्स मान लेते हैं, जिसके अंदर अपनी जो संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। ये अपने स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है इंच के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब है स्टूडेंट्स की संख्या, तो स्टूडेंट्स की संख्या में अपन इसको क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, फिर 24 दे रखा है, 26 दे रखा है, 30 दे रखा है, 20, 16 एंड 18। यहां तक तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। जरूरी नहीं है कि आप एक्स लिखो, एफ लिखो, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ स्टूडेंट्स की हाइट है वो लिख सकते हैं एंड यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स आगे। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, संचयी आवृत्ति निकालनी है, कैलकुलेटिव जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, निकालनी है, संचयी आवृत्ति आपको निकालनी है। अब बात आ जाती है संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उनको आपको क्या करना है, टोटलिंग करना है। इनकी क्या करनी है, आपको सबसे पहले टोटलिंग करनी है। तो इसको आप टोटल कीजिए, 16, 24, इन सबको क्या कीजिए, टोटल कीजिए। तो लास्ट में जो आपकी एन की वैल्यू आएगी, टोटल नंबर है वो, टोटल नंबर आपके कितने आएंगे, 150। तो ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब संचयी आवृत्ति किस तरह से निकालते हैं, तो संचयी आवृत्ति निकालने के लिए जो आपका सबसे पहले, देखिए याद रखने का तरीका बता देते हैं कि संचयी आवृत्ति में जो आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी, मान लीजिए आपने 16 है, आपके 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, जो भी है, तो यहाँ सबसे पहले क्या कर लोगे, 16 के 16 को ऐसे का ऐसा डिनोट कर लोगे। फिर ये जो 16 रहेगा, इस 16 के अंदर क्या ऐड कर दोगे, 24 ऐड कर दोगे, इस 16 के अंदर क्या कर दोगे, 24 ऐड कर दोगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके, 40 आ जाएंगे। अब ये जो 40 रहेंगे, इन 40 के अंदर आप क्या कर दोगे, 26 को ऐड कर दोगे, 40 को अंदर क्या ऐड कर दोगे, 26 को ऐड कर दोगे, तो आपके कितने आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे। एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। फिर जो आपके 66 आए हैं, इन 66 के अंदर आप कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 30 कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। इसके बाद में 96 के अंदर आप क्या कर लोगे, 20 को काउंट कर लोगे, तो आपके 116 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, आपके 116 आ जाएंगे। अब इन 116 के अंदर आप क्या कर लोगे, 16 को काउंट कर लोगे, तो कितने आ जाएंगे, 132 आ जाएंगे, 132 आ जाएंगे। अब 132 के अंदर जब आप 18 को ऐड करोगे, तो आपके कितने आ जाएंगे, टोटल 150 आ जाएंगे। अब देखिए एक बढ़िया सा तरीका है कि जब आप ये सीएफ निकालो, संचयी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो टोटल आएगा, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो टोटल यदि इसके बराबर है, तब तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज आपकी ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो याद रखना इसको क्रॉस चेक करने के रूप में, जो आपके सीएफ में लास्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ टोटल नंबर रहेंगे उन नंबर्स के बराबर रहेगी, ये दोनों सेम है तो आपकी सीएफ क्या है, एकदम सही है। अब बात कर लेते हैं मिडन के फॉर्मूले की, कि अब मिडन यहां से कैसे निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको जो मिडन है वो मिडन का फॉर्मूला क्या लगाना है, n प्लस 1 बाई 2, क्या करना है, n प्लस 1 बाई 2 आपको कर देना है। अब आपका जो n है वो n यहां पे कितना था, 150, तो n क्या है आपका, 150 है, प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब 150 है, 150 और एक कितने हो गए, 151, 151 हो गए। इसके अंदर जब अपन 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 75.5, 75.5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो 75 है, 75 से जस्ट बड़ी संख्या, 75.5 है, इससे जस्ट बड़ी जो संख्या है, जो नंबर है, वो आपको किसके अंदर ढूंढना है, सीएफ के अंदर ढूंढना है, जस्ट इससे बड़ी। तो इससे जस्ट बड़ी यदि अपन इसकी बात करें, तो कौन सी आ रही है, 96 आ रहा है ना,
75 से जस्ट बड़ा, क्योंकि 66 है ये तो क्या इससे छोटा है, लेकिन अपन ने बात क्या की थी 75 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो इससे बड़ा कौन सा है, जस्ट 76 है। तो अब ये जो 76 है, ये 76 देखिए किसके बराबर में, ये 76 है किसके बराबर के अंदर है, आपके जो 63 है इसे 63 के बराबर में है। तो इसका एक्चुअल जो आपका मीडियन रहेगा वो एक्चुअल मीडियन कितना रहेगा, 63। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो एक्चुअल में मिडन का आंसर क्या रहेगा, मिडन कितना रहेगा, 63 क्या रहेगा इसका मिडन रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपके बायोस्टेटिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ये तो अपन ने क्या कर ली, मिडन की बात कर ली। मिडन का एक तरीका और है कि किस तरह से, यहां तो आपको सिंगल डिजिट दे दिया जाए, अब सिंगल डिजिट ना देके आपको डबल डिजिट दे दिए, जैसे 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर अपन मीन की बात कर लेंगे, मोड की बात कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है, और कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।